हेलो एवरीवन, आई एम सुरभि गुप्ता। आज हम बात करेंगे हमारे एपिसोड मैजिक ऑफ नंबर्स में नंबर 2 के बारे में। नंबर 2 का प्लैनेट चंद्रमा है और चंद्रमा ऐसा ग्रह है जो हम अपनी आंखों से डेली देखते हैं। वैसे ही नंबर 2 की पर्सनालिटी बिल्कुल चंद्रमा की तरह होती है। वैसे ही बहुत कोमल, बहुत सुंदर, उनकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव होती है और बिल्कुल कहते हैं ना कि मन के बिल्कुल साफ होते हैं। तो नंबर 2 का जो व्यक्तित्व होता है बिल्कुल चंद्रमा की तरह सफ़ेद झलकता हुआ होता है। जिन लोगों का जन्म नंबर 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है उनका नंबर 2 होता है। हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि 11, 1+1=2 नंबर, 20 मतलब 2+0=2 नंबर, 2+9=11 यानी कि 2 नंबर। तो जिन लोगों का जन्म इन तारीखों के दिन हुआ है उनका नंबर 2 होता है। नंबर 2 वाले अर्थ एलिमेंट होते हैं, मतलब पृथ्वी तत्व होते हैं। तो मैं आज आपको इसके बारे में बहुत अच्छी एक बात बताती हूँ। आप देखिए कि जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, इस अर्थ के अंदर कहीं पानी है, कहीं धरती है, कहीं पेड़ है, कहीं हवा है, हम भी इसी का ही पार्ट है, ठीक है। तो चंद्रमा भी इस धरती का एक पार्ट है। आप देखिए कि जब भी चंद्रमा अपनी गति करता है तो पृथ्वी के ऊपर जो समुद्र है उसमें क्या आता है, हाई टाइड, लो टाइड, वो कौन डिसाइड करता है, चंद्रमा। आप देखिए अगर चंद्रमा अपनी इन गति से, इस शक्तियों से समुन्दर को हिला सकता है तो हम तो इंसान हैं। तो नंबर 2 ऐसे पर्सनालिटी होती है कि अगर वो जिसी के घर में भी हैं या आपके फ्रेंड्स में कोई 2 नंबर है या आपके कोई सर्किल में, आपके समाज के अंदर, जैसे कि महात्मा गांधी, उनका नंबर भी 2 था, तो वो सबको हिला के रख देते हैं क्योंकि उनका नेतृत्व सबसे अच्छा होता है। नंबर 2 वाले बहुत अच्छे अभिनेता भी होते हैं, अभिनेता ही नहीं बहुत सक्सेसफुल अभिनेता होते हैं, जैसा कि हमारे किंग खान, शाहरुख खान, उनका नंबर भी 2 है। आप देख सकते हो हमारे बिग बी यानी अमिताभ बच्चन, उनका नंबर 11 अक्टूबर यानी 1+1=2 नंबर, यानी 1 नंबर सूर्य का प्लस 1 अगेन सूर्य =2 यानी चंद्रमा, मतलब उनके साथ साक्षात उनके मम्मी पापा का आशीर्वाद भी है। नंबर 2 वालों की पर्सनालिटी इतनी अट्रैक्टिव होती है कि अगर 100 जनों का कोई ग्रुप हो या कहीं पे भी कोई बहुत सारे लोग इकट्ठे हो तो उन 2 नंबर की पर्सनालिटी अलग ही दिखने लग जाती है। इवन 2 नंबर की जो गर्ल्स होती हैं उनकी स्किन भी एकदम ग्लो करती है क्योंकि चंद्रमा की उनकी कृपा होती है ना, तो एकदम चमकते हैं और बहुत आगे जाके अच्छे कलाकार, अच्छी एक्ट्रेस भी बनते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आशा भोसले का नंबर भी 2 है, तो कहने का मतलब ये कि उनको एक गॉड गिफ्ट ही नंबर 2 से मिली हुई होती है। तो नंबर 2 वालों को एक चीज़ के लिए मैं सजेशन देना चाहूँगी, एक तो कभी भी वो अपना वेट नहीं बढ़ाएं और शुगर थोड़ी सी कम खाएं क्योंकि शुगर इज़ कॉल्ड वाइट। तो व्हाइट तो ऑलरेडी चंद्रमा का ग्रह है और वो जितनी शुगर खाएंगे उनकी स्किन के लिए और उनकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है एज ए न्यूमरोलॉजी नंबर 2 के लिए। नंबर 2 वालों की पर्सनालिटी के लिए और उनकी लाइफ को सक्सेस करने के लिए उनको मैं एक छोटी छोटी रेमेडीज बताती हूँ, क्योंकि लाइफ के अंदर जितनी आप सफलता पाओगे उतनी लाइफ के अंदर हर्डल्स बहुत होती हैं। जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं या जॉब पे जा रहे हैं, उनका इंटरव्यू है, किसी को वीज़ा लेना है, कुछ भी अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको करना क्या है, एक चांदी का चौकोर टुकड़ा हमेशा उसको अपने पर्स में या आप अपने ब्रीफकेस में या बच्चे अपने बॉक्स में भी रख सकते हैं। सेकंड रेमेडी आपको और क्या करनी है मैं आपको बताती हूँ। जितने भी 2 नंबर के लोग हैं या काफ़ी बड़ी पोजीशन पे हैं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको उपाय क्या करना है, छोटे छोटे बच्चे हैं या जिनको शिक्षा पानी है, या तो आप स्कूल खोल सकते हैं या फिर आप उनको पेंसिल्स यानी जो अपन जिनसे लिखते हैं, आप पेंसिल्स दान कीजिए, आप बुक्स दान कीजिए। अगर आप वो सब भी नहीं कर सकते हैं, नॉर्मल जने हैं जो लेडीज़ हैं, आप अपने घर के अंदर किसी को भी, आपके घर में इतने सर्वेंट्स हैं, उन सबको किताबें दान कीजिए, नहीं तो आप न्यूज़पेपर भी दान कर सकते हैं। ये आपकी सफलता की सबसे अच्छी की है और आपकी ज़िंदगी को सक्सेसफुल बनाने की है। और ये थी नंबर 2 वालों के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपके मन में कोई क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चंस आप मुझसे पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और नंबर 3 वालों के बारे में जानने के लिए हमारा नेक्स्ट एपिसोड देखना ना भूलें। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।